फेस लॉलीपॉप। एक गांव में रंगाराम नाम का एक व्यक्ति लॉलीपॉप बेचता हुआ गुजारा करता था। लॉलीपॉप लॉलीपॉप, रंग बिरंगे लॉलीपॉप, मीठे मीठे लॉलीपॉप, अरे खट्टे मीठे लॉलीपॉप, आइए भाई आइए, कह के बेचता था। उसके बेटे का नाम था गंगाराम। उसे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था। गांव में जहां भी उसे सफेद दीवार दिखाई देता तो वहां वो तस्वीर बनाने लगता। एक दिन पिताजी, बेटा अब मुझसे ये धंधा नहीं हो पाएगा, मैं आराम करना चाहता हूँ, कृपा करके कल से तुम ये धंधा संभालो बेटा, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, तुम छोटे हो पर तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बेटे। इस तरह बेचारा वो मान गया और अगले दिन से लॉलीपॉप चटपटा लॉलीपॉप खट्टा मीठा लॉलीपॉप कहकर बेचने लगा। एक दिन, ये क्या जिंदगी है, इस लॉलीपॉप के चक्कर में मेरा तस्वीर बनाना बंद हो गया है, ऊपर से इस धंधे में ज्यादा कमाई भी तो नहीं है, कुछ नया सोचना होगा। बाद में उसने अपने गाड़ी पर फेस लॉलीपॉप डिजाइन ₹500 ओनली कहकर एक बोर्ड लटकाया। लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वो अपने पास आए लोगों के चेहरे को फूड कलर से लॉलीपॉप पर उतारने लगा। वो उन्हें देता तो वे हैरान होते थे, शाबाश गंगाराम बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा ही है, ये लो पैसे कहकर उसे पैसे देते थे। इसी तरह बच्चे अपने चेहरा बनवा कर उसे पैसे देते थे। बड़े भी लाइन में खड़े होकर तस्वीर बनवाते थे। इस तरह उसे खूब पैसे मिलने लगे। एक बार लाला नाम का एक व्यक्ति वहां आकर फोन पर बातें करने लगा। उसे देखकर गंगाराम लॉलीपॉप पर उसकी तस्वीर बनाने लगा। उसके फोन काटने के बाद गंगाराम उसे लॉलीपॉप देकर, देखे सर तस्वीर कितनी अच्छी बनी है, आप हिल रहे थे, नहीं तो और अच्छा बनाता, पैसे दीजिए सर। पैसे? कैसे पैसे, ये तुमने किससे पूछकर मेरी तस्वीर बनाई है, या मैंने तुमसे कहा था कि मेरी तस्वीर बनाओ, निकम्मे, ये क्या तस्वीर है, ये बोर्ड क्या है, इस लॉलीपॉप ड्राइंग ओनली ₹500, लगता है इस गांव वालों को और कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम जैसे नालायकों का धंधा अच्छा चल रहा है, ये पकड़ो तुम्हारा फालतू लॉलीपॉप कहकर उसकी ओर फेंका। उसने उसे कैच पकड़ा और दंग होकर उसे देखने लगा। इतने में एक बच्ची वहाँ आई। वो बच्ची, चाचा मुझे जल्दी लॉलीपॉप चाहिए, उसमें कोई तस्वीर नहीं चाहिए, साधारण सा लॉलीपॉप दीजिए। ठीक है बेटे, ये लो ये खाओ, इसमें तस्वीर तो है पर मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ये मुफ्त में दे रहा हूँ कहकर उसे लॉलीपॉप दिया। वो लॉलीपॉप लेकर बच्ची अपने घर चली गई। पिताजी को वो लॉलीपॉप दिखाते हुए, गंगाराम चाचा ने मुझे ये मुफ्त में दिया है, गंगाराम चाचा बहुत अच्छे हैं ना, कहकर वो लॉलीपॉप दिखाया। उसे देखकर एसआई चौंक गया। तुरंत गंगाराम से मिला और, गंगा तस्वीर में ये जो है वो एक बड़ा क्रिमिनल है, उसने करोड़ों रुपए चुराए हैं, तुमने इसे कब देखा? वो अभी अभी यहीं पर खड़ा था, किसी से फोन पर बात कर रहा था, मैंने सोचा कि वो तस्वीर बनवाना चाहता है और मैंने उसकी तस्वीर बनवाई, पर उसने मुझे डांटा और लॉलीपॉप मेरे मुंह पर मारकर चला गया। ऐसे ही इधर उधर देखने लगा। तब उसे वहाँ एक बैंक के एटीएम पर लगा सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया। स्टेशन पर आकर उसके फुटेज को जांचने लगा। उसने लाला को एक कार में जाते हुए देखा। उसने उस कार का नंबर नोट किया। तुरंत एसआई ने वॉकी टॉकी पर सारे स्टेशनों को अलर्ट किया। हेलो हेलो, एसआई महेंद्र सिंह स्पीकिंग, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिस कार में घूम रहा है वो फोटो मैंने भेजा है, अलर्ट अलर्ट, यूं कहने लगा। यूं एक चेकपोस्ट पर उसके कार को पुलिस ने रोका। लाला बिना कार से नीचे उतरे। ए मुझे क्यों रोका है, जानते हो मैं कौन हूँ, जानते हो मेरी पहुँच कहाँ तक है, मेरा लाइसेंस है और कार के सारे कागज हैं, सब ठीक हैं। तुम्हें क्या चाहिए, चुपचाप रास्ते से हटो नहीं तो मिनिस्टर को फोन लगाऊंगा, खबरदार कहकर उसे धमकाने लगा। तब ऐसे महेंद्र सिंह, आप कौन हैं ये जाने बिना आपको क्यों रोकेंगे सर, आप क्रिमिनल्स के सरदार हैं। लाला जी क्या इतना भी हम नहीं जानते, कार से उतरिए सर। बाद में पुलिस ने तलाशी ली तो कार में पैसे और सोना मिला। पुलिस ने उसे पकड़ कर खूब मारा। बाद में वो मान गया कि वो लाला है। फिर पुलिस ने
उसे जेल में डाला। उसके बाद पुलिस ने गंगाराम का सम्मान किया। ये देखकर सबने ताली बजाई और उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। कुल्फी वाला मैजिकल कुल्फी। एक गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था। उसके एकदम बगल में ही एक प्राइवेट स्कूल भी हुआ करता था। उस गांव के सारे अमीर लोग अपने बच्चों को उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजते थे। जिनके पास पैसे नहीं होते थे वे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़वाते थे। उस गवर्नमेंट स्कूल में रंजीत नाम का एक लड़का पढ़ाई करता था। रंजीत के पिता रतन रिक्शा चलाकर परिवार की देखभाल करते थे। इसकी वजह से रंजीत कुछ भी खरीदने अपने पिता से एक रुपए तक नहीं मांग पाता था। दोनों स्कूल के आगे कुणाल नाम का कुल्फी बेचने वाला हुआ करता था। कुल्फी बाबू, कुल्फी, बादाम कुल्फी, केसरी कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, आओ भाई आओ। हर दिन वो सुनकर रंजीत के मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन खरीदने पैसे ना होने के कारण उदास होकर उन कुल्फियों को देखता रहता था। सिर्फ वही नहीं, उस गवर्नमेंट स्कूल के कई बच्चे उन कुल्फी को नहीं खरीद पाते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बच्चों में एक एक बच्चा ही 2 से 3 कुल्फी खरीद लेता था। एक दिन प्राइवेट स्कूल का लड़का संदीप एक कुल्फी खरीदा, वो उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया। कुल्फी नीचे गिर गया, एक और दो। इतने में रंजीत वहां से गुजर रहा था। संदीप रंजीत को बुलाकर, रे मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, कुल्फी को देखकर मुंह में पानी आ रहा है लेकिन खरीद नहीं पा रहे हो, ये लो ये कुल्फी लेकर खाओ, मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, कहकर नीचे गिरा हुआ कुल्फी की ओर दिखाया। ब्रदर हम गरीब हो सकते हैं लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं है। क्या है रे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर तुझे इतना घमंड है? दया खाकर कुल्फी ऑफर किया तो मुझे ही सुना रहा है। अगर ये कुल्फी पिघलने तक तुम इसे धोकर नहीं खाए तो तुम जिंदगी में कुल्फी नहीं खा पाओगे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, कहकर चला गया। रंजीत बहुत दुखी हुआ। बेटा तुम दुखी मत होना, तुम्हें मैं पिस्ता कुल्फी देता हूँ, रुको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत थैंक्स अंकल, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेता, कहकर चला गया। हे भगवान, ये कैसी गरीबी है, पैसों की बीमारी बच्चों में भी फैल गई। इस उम्र में उन्हें अमीर गरीब का फर्क पता होना नहीं चाहिए, ये अन्याय है ना भगवान। एक रविवार रंजीत अपने पिता के रिक्शा चेन पॉकेट्स में ऑयल डाल रहा था। रतन की तबीयत खराब होने के कारण वो झोपड़ी के बाहर सोया हुआ था। उसकी पत्नी तुलसी उसे दवाई दे रही थी। इतने में एक महाराज रिक्शा के पास आया। रंजीत उसे देखकर, सर आप यूट्यूब पर कई वीडियोस में आए राजा विक्रम सिंह हो ना, आप आजकल दिख क्यों नहीं रहे हो सर? क्या कहूँ बेटा, लोगों को मुझे देख के बोर हो रहा है कह रहे हैं, मुझे वीडियो में रखने से व्यूज नहीं मिल रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मेरा कैरेक्टर पूरा बंद कर दिए बेटा, इसलिए पता नहीं अपने परिवार की कैसे देखभाल करूं, इसलिए काम के लिए यूं सड़क पे घूम रहा हूं, अब मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, मुझे अर्जेंट एक ऑडिशन पे जाना है, अगर तुम मुझे वहां पे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, रिक्शा भी तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है, मैं चला लूंगा। आप क्या कह रहे हो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, चलिए चलते हैं। इस तरह राजा विक्रम सिंह रंजीत को बिठाकर रिक्शा चला रहा था। यूं जाते जाते एक जगह पर रोक दिया। विक्रम सिंह उतर कर, बेटा सही समय पे मुझे लिफ्ट देने के लिए बहुत शुक्रिया, अब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन YouTube वीडियो पर एक्टिंग करते वक्त एक बार एक सच वाले मुनि को लेकर आए थे, उन्हें मेरा एक्टिंग बहुत अच्छा लगा था और एक बड़ा सा कुल्फी दिए थे, वो कभी पिघलता नहीं है, मुझे और मेरी पत्नी को कुल्फी ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो तुम्हें कुल्फी दे देता हूँ, एंजॉय योरसेल्फ, कहकर एक बड़े से कुल्फी को प्रकट करके रंजीत को दे दिया। रंजीत खुशी से उस कुल्फी को लिया। उस दिन से रंजीत उस बड़े कुल्फी को रोज खाने लगा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी स्पून से लेकर वो कुल्फी खाने लगे, सब उसके मजे लेने लगे। प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आकर उस कुल्फी को खाए, वो जानकर कुणाल बहुत खुश हुआ। एक दिन रंजीत के आगे राजा विक्रम वर्मा आए। बेटा उस समय सही टाइम पर मुझे ड्रॉप किए, इसलिए मुझे एक अद्भुत किरदार मिला, अगर वो वीडियो चल गया तो मुझे फिर से मेरा पुराना पहचान मिल जाएगी, थैंक यू सो मच सन। अरे
ऐसे मत कहिए, आपके दिए कुल्फी की वजह से प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे फ्रेंड्स बन गए। अब हमारे बीच में कोई अमीरी गरीबी नहीं है, अब सच में महाराज ही हैं। हम बच्चों में ये भेदभाव दूर किए, कहकर उन्हें नमस्कार किया। इतने में एक मुनि वहाँ आकर, महाराजा हमारा काम हो गया है ना, पुष्पक विमान में हमें 1000 साल पीछे जाकर हमारा साम्राज्य कैसा है वो देखना होगा। इस तरह वे चले गए। ये क्या सच में महाराज है, मेरे लिए 1000 साल टाइम ट्रैवल किए, यानी इनके सारे पुराने वीडियोस देखना चाहिए।